सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूले ताकि आप देख सके रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। एक जमाना था जब बॉडी बनाना सिर्फ पुरुषों का काम समझा जाता था, लेकिन आज के समय में महिलाएं भी छुई मुई वाली इमेज से बाहर निकलकर खतरनाक बॉडी बनाने लगी हैं। और ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, ये माएं भी हैं। तो आइए जानते हैं जो सिर्फ माँ होने का ही फर्ज अदा नहीं कर रही हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले है स्लोवेनिया की प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ब्रिगेटा ब्रोजोवेक, जो कि 14 साल की उम्र से ही जिम जाने लगी थी। उस समय वह अपने लवर के घर पर जिम का इस्तेमाल करती थी, पर धीरे धीरे उनका जिम से प्यार पागलपन की हद तक बढ़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी बॉडी इतनी खतरनाक बन गई कि कोई भी सोच नहीं सकता है कि किसी लड़की या औरत की बॉडी इस तरीके की हो सकती है। और इसके बाद कई चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने 2013 में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आज भी ब्रिगेटा से कई मशहूर मेल बॉडी बिल्डर्स डरते हैं। दूसरी है रेने कैंपबेल। महज 4 वर्ष की उम्र से बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं और उन्होंने अपने शरीर को फौलाद में डाल लिया है। ये तकरीबन 350 किलो वजन आसानी से उठा लेती हैं और न जाने कितने ही पुशअप्स और क्रंचेस हर रोज करती हैं। रेने कैंपबेल जितनी एक्सरसाइज करना एक आम पुरुष के बस की बात है ही नहीं। न जाने कितनी ही फैशन फिटनेस मैगजीन्स में अपने आर्टिकल छपवा चुकी हैं, और इसके अलावा यह कई महिलाओं को फिटनेस ट्रेनिंग भी देती हैं। और इतना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी मैगजीन्स के फ्रंट कवर पर भी ये आ चुकी हैं। तीसरी है डेबी लुजुस्की। अगर आप जिम जाते हैं या अगर आपको बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र का यानी कि जो जिम जाते हैं लोग, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो ये नाम आपने पक्का सुना होगा। डेबी लुजुस्की ने यह बात साबित की है कि उम्र के आगे कभी भी लाचार नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए। 45 साल की उम्र है इनकी और यह विश्व के दूसरे नंबर की बॉडी बिल्डर मानी जाती हैं। इन्होंने अपने शरीर को व्यायाम करके इतना सख्त बना लिया है कि इनके आगे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी छोटे साबित हो गए हैं। चौथी हैं वर्जीनिया सांचेस। सिर्फ एक बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ पर्सनल ट्रेनर भी हैं और वह अपनी खुद की जिम में लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हैं। मैड्रिड की रहने वाली वर्जीनिया 17 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं और उनकी बाइसेप्स 17.5 इंच की है, जो महिलाओं में सबसे अधिक है। वैसे उनकी लंबाई भी 6 फीट से कम है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी कम लंबाई होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी ज्यादा मसल्स डेवलप कर ली हैं। पांचवें नंबर पर है आयरिस काइल। दुनिया की सबसे ज्यादा महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिताएं जीतने वाली सिर्फ ये एक अकेली महिला है जिनके नाम पर सबसे ज्यादा प्रतियोगिताओं का दमखम है। वे यह खिताब पाने वाली एकमात्र महिला बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने 10 ओलंपिक टाइटल अपने नाम किए हैं और उसके शरीर को देखकर लगता है कि अगर उनकी तुलना पुरुष बॉडी बिल्डरों से की जाए तो वह भी कम नहीं रहती है। वह अपने शारीरिक दमखम के बल पर 1994 से यानी कि 1994 से कई प्रतियोगिताएं जीतती चली आ रही हैं और अब तक भी अपने दमखम पर काफी सारे पुरुष पहलवानों को यानी कि पुरुष बॉडी बिल्डरों को भी हराया है। अगली है क्रिस्टी। ये बहुत ही खूबसूरत महिला है और 140 पाउंड तक का वजन आसानी से उठा लेती हैं। उनकी लंबाई भी तकरीबन 5 फुट 4 इंच है, जो कि ज्यादा नहीं है, जिसके बाद भी वह इतना वजन आसानी से उठा पाती हैं। उन्होंने अपना काफी समय बॉडी बिल्डिंग को ही दिया है, जिसके नतीजे उन्हें बहुत ही अच्छे मिले। और आखिर में लीजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लीजा 2 बच्चों की माँ है, इसके बावजूद भी वह 190 किलो वजन बहुत ही आसानी से उठा लेती हैं। और अन्य बॉडी बिल्डरों की तरह लीजा ने बॉडी बिल्डिंग शुरुआती दिनों से ही शुरू नहीं की थी। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग 30 वर्ष की आयु के बाद शुरू की थी, लेकिन फिर भी वह किसी से भी पीछे नहीं है। और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी खिताब जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है, और आज वे दुनिया की शीर्ष महिला बॉडी बिल्डर्स में से आती है, यानी कि टॉप 10 वर्ल्ड की अगर बॉडी बिल्डर्स फीमेल कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो टॉप 10 में शुमार है इनका। तो अब यह कहना बिल्कुल सही होगा कि महिलाएं भी पुरुषों को टक्कर देने के काबिल बन चुकी हैं, और इतना ही नहीं, अपने ही दमखम पर इन्होंने नाम भी कमाया, फेम भी कमाया और पैसा भी कमाया। तो यारो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियोज़ आप जल्दी से जल्दी देख सकें।